गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वीडियो। तो आज मैं अपने गांव में आया हूं, तो मैंने कहा जो जो चीज़ें मैं देखता हूं वो भी आप लोगों को भी दिखाऊं। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। गांव की ज़िंदगी एक बिल्कुल मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू सिटी, बिकॉज यहाँ की इन्वायरमेंट एटमोसफेयर प्योर क्लीन और हर तरफ हरियाली ग्रीनरी और यानी कि बिल्कुल एक फ्रेश इन्वायरमेंट है। आप लोग ताज़ी ताज़ी फील होती है, बहुत ही मज़ा आता है। तो बस व्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोग देखते जाएं। सो गाइस गांव की फ़ज़ा और उसमें चलना रहना एक अलग ही इन्वायरमेंट में अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, और हर किसी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा वो एक्सपीरियंस करें। ये देखें ताज़ा फ़ज़ा, एनवायरनमेंट क्लीन प्योर। अभी मैं इधर अपनी खेतों में ही फिर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। वैसे भी हमारे पीछे अमरूद का पौधा है, तो वहाँ से ताज़े ताज़े अमरूद तोड़ते हैं और वो खाते हैं। सो गाइस अभी अमरूद तोड़े हैं, अभी से खाते हैं, बहुत ही मीठा और टेस्टी अपने घर के अमरूद। सो गाइस अभी मैं फील्ड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स यानी कि सरसों के खेत में खड़ा हूँ। मेरे चारों तरफ सरसों ही सरसों है। अभी आगे जाते हैं। सो गाइस अभी जो मेरे पीछे आप इतनी बड़ी चीज़ देखें, पंजाबी में इसे कहते हैं धर, अभी मैंने पूछा है। तो ये मैं भी साथ आया हुआ है अपने विलेज को देखने के लिए, उस मतलब एंजॉय करने के लिए एनवायरनमेंट एक प्योर एंड क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसे धर कहते हैं और बेसिकली ये एक तूड़ी जो भैंसों और फैटनिंग और डेयरी फार्म के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिक यानी कि। तो ये उस वो चीज़ है उसकी सेफ्टी के लिए। तो गाइस अभी हमने मस्टर्ड प्लांट्स भी देखे यानी कि सरसों का खेत भी देख लिया, और अभी हम जा रहे हैं कमान की तरफ, वो भी आपको दिखाता हूँ। कमान मीन्स शुगर कैन, गन्ने का खेत, अभी वो भी दिखाते हैं। मैं पूरे राउंड में हर तरफ ग्रीनी ग्रीनी है, कोई इंडस्ट्री कोई हाउसिंग सोसाइटी कुछ भी नहीं है इस जगह पे, टोटल फील्ड ही फील्ड। और वो मेरे पीछे आ गया कमान, अभी मैं आपको क्लोजली जाके दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं गन्ने की फसल के पास आ गया हूँ, तो इनकी हाइट देखें कितनी ऊँची ऊँची, अभी आगे और ऊँची है लेकिन उसके अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है, मैं भी सक रहा है। तो देखें हाइट गन्ना यानी कि शुगर कैन, अभी मैं आपको इसका ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। हम एक बहुत ही ख़तरनाक जगह से डर के जा रहे हैं आगे, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और खुद को भी दिखाने के लिए। ये देखें बिल्कुल ही एक नैरो लाइन है, उसके ऊपर हम जा रहे हैं, और हमारी इस तरफ पानी का व्यू है और दूसरी साइड पे ग्रीन। सो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। मैं पीछे रह गया। तो अभी मैं आपको फिश फार्म दिखाने आया हूँ यहाँ पे हमारे। सो गाइस अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये फिश फार्म, तो ये बहुत ही बड़ी जगह पे बना हुआ है। अभी आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन अगर आंखों के सामने देखें तो ये एक बहुत ही ह्यूज जगह पे बना हुआ है, मिनिमम 1.5 एकड़। और इधर मछलियाँ भी बहुत है, अभी अगर कोशिश करूँगा अगर आपको दिखा सका तो। ये देखें अभी नीचे जाते हैं और आपको क्लोजली दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने इस तरफ भी फिश फार्म है यानी कि मछलियों का फार्म, और इस तरफ भी, लेकिन इस तरफ पानी कम है, इस तरफ ज़्यादा है पानी। उसमें से अभी तक इन्होंने पानी खोला नहीं है, तो अभी नीचे जाके आपको दिखाता हूँ।
बल्कि पहले इस वाले में जाते हैं, कम वाले में, फिर दूसरे वाले में जाएंगे। कैमरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हम बिल्कुल नीचे आ गए। सो गाइस, हमें मछलियाँ तो नहीं नजर आई क्लियरली, लेकिन हमें एक और चीज़ नज़र आ गई है, ये देखिए, ये भी हमें इधर नज़र आया है। कैमरे की तरफ ही बस, इधर इधर ही रख। सो गाइस, हमने उसे वापस पानी में छोड़ दिया क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, मट्टी पे आया हुआ, तो सामने कहा ये ना हो कहीं उठा ले कोई। ये मैट साहब ने मेहनत की है। उसके पास खड़े हैं, वो इनसे मैं आपको मिलवाते हैं। जो हमारी सबसे लाडली और प्यारी है वो है वो वाली ब्राउन वाली, वो आपको बताता हूँ क्लोज जाके। सो गाइस, हमारी इस ब्राउन वाली का नाम है अजवा। ये अभी तक बछड़ी है, मतलब फुल अडल्ट नहीं हुई, काऊ में नहीं आई। ये देखें कितनी प्यारी, अभी ये मेरे पास भी आ गई, अभी थोड़ा सा डरी है, नए नए आए हैं। तो ये ब्राह्मण ब्रीड है और ये एक रेयर ब्रीड मानी जाती है इन काऊ फील्ड में, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव ब्रीड है ये। तो ये देखें जो इनकी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि मतलब इनसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये ब्राह्मण है कि नहीं, वो इनके कान नीचे होते हैं और इनका जो गुम्मड़ होता है यानी कि ये ऊपर वाली जगह, वो एक ह्यूज मतलब बड़े साइज़ में होता है बनिस्बत दूसरी गाय। सो भाई, ये हमारा दूसरा फार्म है जो अभी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन विद इन 1 मंथ ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे फार्म की ब्रांच 2 है। तकरीबन 1 एकड़ से 1.5 एकड़ पर। सो गाइस, आज के ब्लॉग और इस सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, शहर की दीवारें ऊंची थी, दम निकलता था वहाँ, गांव आकर फिर मुझको आसमान नज़र आया है।